इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के महानगरी रोड पर बदमाशों द्वारा जमकर आतंक मचाया गया और एक दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट की गई। व्यापारी ने सीसीटीवी के आधार पर सेंट्रल कोतवाली थाने पर पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण मंगलवार को व्यापारी इकट्ठा हुए और उन्होंने सेंट्रल कोतवाली थाने पर घेराव कर जमकर विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी। व्यापारियों के अनुसार घटना स्थल थाने से कुछ ही दूरी पर है और पहले भी इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद करने के बाद पुलिस किस तरह की कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ करती है। मैं दुकान पे बैठा था, वो अचानक आया, आके गाली गलौज करने लग गया, सामान वामान फेंकने लग गया। साथ वाले और भी थे, उनके अन्य साथी, वो भी गाली गलौज करने लग गए, हाथापाई करने लग गए। और उसने बोला तो दुकान बंद कर, चाकू खोल दिया और चाकू से मारने दौड़ा। कितने लोग थे वो? चार पांच लोग थे, सब दुकान के ही थे। उसके आधे ज्यादा दुकान में काम करते हैं और आधे उसके साथ के थे। नहीं, जो कौन लोग हैं, क्या नाम? पार्किंग में बैठते हैं, नाम किसी का नहीं जानता मैं। जिनके नाम जानता हूँ उनके रिपोर्ट में लिखा दिया मैंने। कौन थे? नारायण बंजारा है, सुनील चौकसे है और राजेंद्र ठाकुर है, गुड्डू मैकेनिक। कौन? अपराधी के रिकॉर्ड वाले लोग हैं क्या ये? गुंडे बदमाशी का ये नाम गुंडों में आ रहा तो गुंडे बदमाशी होंगे। कहाँ के ये लोग? इनके निवासी। और क्या मांग कर रहे थे आपसे? भाई दुकान खुलनी नहीं चाहिए, या तो 50,000 रुपए दे मेरे को, जो मेरा नुकसान। कितने लोगों से मांगे? कितने लोगों से मांगे? हमारे प्रोपराइटर से मांगे ना। नहीं, मतलब कितने दुकानदारों से मांगे थे? तो हमसे ही मांगे, हमारी मामा की दुकान में भी। अच्छा, मतलब अवैध जबरन अवैध वसूली मांग रहे थे? अवैध वसूली कर रहे हैं या तो दुकान बंद करो, धंधा नहीं करो। बाकी कोई पुराना है था, कोई लेन देन मार डालूंगा जान से, दगा दुकान खुली तो। अच्छा, सीसीटीवी में भी दिखे ये लोग? सीसीटीवी में वीडियो है ना। कितने बजे की घटना होगी ये? 5:28 की कल शाम को। तो गिरफ्तार हो गए? नहीं हुए ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ी खड़ी उसकी। किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है? सीखी इसने। किसकी गाड़ी है? सुनील चौकसे की। महारानी रोड है, उसमें एक कॉमन स्पीकर करके साउंड की दुकान है, बेचते हैं। इसी तरह एक किंग पैलेस करके है, जो डीजे वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। इनके पास में थोड़ी दूर पे एक आपका ओम साउंड करके है, जिसको ये सुनील चौकसे चलाता है। तो सुनील चौकसे का ये रवैया है कि उसकी छोटी दुकान है, इनसे माल लेना, समय पे पैसे नहीं देना, और नेचुरल है कि व्यापारी इनके यहाँ जाएगा तो उसको विरोध करना। तो एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं अपन। उसके कारण कल जो है इन दोनों संस्थानों में अपने साथियों के साथ गया, गाली गलौज की, चाकू से मारपीट की और छुरा से धमकाया। तो इन पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।